सबसे पहले वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आगे आने वाला समय आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के अध्याय में हम आपको बताने जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के इतिहास के बारे में, आज़ादी के तुरंत पहले की स्थिति और भारत की आज़ादी के बाद की स्थिति। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहना हमारे साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को। भारतीय स्वतंत्रता एक बहुत विस्तृत इतिहास है। इसका इतिहास आंदोलनों और बलिदानों से भरा पड़ा है। 17वीं सदी के आसपास भारत में यूरोपीय व्यापारियों ने अपने आउटपोस्ट बनाने शुरू की। यहाँ पर सभी तरह की संभावनाएं होने की वजह से इनका व्यापार बहुत अच्छे से स्थापित हो गया। धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर अपने मिलिट्री फोर्स तैनात करना शुरू कर दिए। समय के साथ साथ इनकी लालच बढ़ती गई और ये देश भर में अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करने लगे। अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और अपनी राजधानी कलकत्ता को बनाया। इस समय भारत में मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ने की वजह से भी अंग्रेजों ने आसानी से भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। इसी समय के कुछ विशेष मुद्दों का वर्णन किया जा रहा है। 1757 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से युद्ध किया और इस युद्ध में सिराज हार गया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली। सन 1964 में बक्सर के युद्ध के दौरान भी अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई, जिस वजह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रशासन पर अंग्रेजी शासन हावी हो गया। सन 1857 की क्रांति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा महत्व है। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह क्रांतिकारी भारत में अंग्रेजों से आज़ादी की पहली लड़ाई थी। यह लड़ाई पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध थी। ऐसा माना जाता है कि इस क्रांति का आरंभ मंगल पांडे की बगावत से आरंभ हुई थी। मंगल पांडे ब्रिटिश रेजिमेंट के एक सैनिक थे। यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस में गाय के मांस की चर्बी लगी होती थी। मंगल पांडे ने इस वजह से इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और गाय को बचाने के ब्रिटिश सेना के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उन्होंने इस बगावत में बैरकपुर रेजिमेंट के सबसे बड़े अफसर की हत्या कर दी। इस घटना से सभी शोषित भारतीय लोगों के बीच क्रांति की ज्वाला भड़क गई और समस्त देश में आग की तरह फैल गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें फांसी की सजा दी, जिससे वे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए एवं बेहतर योजनाएं न होने की वजह से ये क्रांति विफल हो गई। भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए फिर कई योजनाबद्ध क्रांतियां शुरू की गईं। लोगों को राजनीतिक स्थितियों से अवगत कराने और जागरूक करने का काम किया जाने लगा। इस समय कई तरह की संस्थाओं की स्थापना की जा रही थी। दादा भाई नौराजी ने सन 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। इन संस्थाओं की सहायता से लोगों में एकता लाने का कार्य किया जाने लगा। इसी दौरान 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई तत्कालीन दिग्गज नेता शामिल थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन हुए। इस आंदोलनों से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलने लगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देश के हर जाति, धर्म और तबके लोगों ने हिस्सा लिया। इन लोगों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जिन लोगों ने उठाई, उनके नाम अक्सर याद किए जाते हैं। महात्मा गांधी के साथ इन स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, श्री अरविंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूरसेन, बटुकेश्वर दत्त आदि थे।
हालांकि इनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त आदि महात्मा गांधी के अहिंसात्मक मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। इन्हें भारत की आज़ादी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। इसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना अलग रास्ता तैयार किया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित सेना थी, जो ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए काम करती थी। इस सेना का जापान के साथ गठबंधन था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ब्रिटेन सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेनाओं से बर्मा, इम्फाल, कोहिमा आदि स्थानों पर जापानी सेना के साथ मिलकर युद्ध किया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस युद्ध में भारत की महिलाओं ने भी खूब जोर शोर से हिस्सा लिया। यह भागीदारी महारानी लक्ष्मीबाई के समय से ही लोगों की दृष्टि में आने लगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाली मुख्य स्त्रियों के नाम से श्रीमती सरोजनी नायडू, सिस्टर निवेदिता, श्रीमती एनी वेसेंट आदि हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय ब्रिटिश शासन देशवासियों को जाति धर्म के आधार पर बांटकर राज करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने देश के हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने की लगातार कोशिश की। इस समय समाज को नई दिशा देने के लिए राजा और कई महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। इस काल के प्रमुख नाम राजा राम मोहन राय, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री जगदीश चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, द्विजेंद्र लाल रॉय, काजी नजरुल इस्लाम आदि थे। स्वतंत्रता के पूर्व इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ब्रिटिश शासन के समक्ष पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। इसी दौरान 26 जनवरी को भारत की आज़ादी मनाई गई। इसी समय कांग्रेस ने भारतवासियों से ये अपील की कि उन्हें अवज्ञा आंदोलन में अपना योगदान दें। इस आंदोलन में एक बड़ी संख्या में भारतवासियों ने हिस्सा लिया और आंदोलन को सफल बनाया। विभिन्न तरह के आंदोलनों से ब्रिटिश सरकार को यह लगने लगा कि भारत पर अब उनका शासन कर पाना मुश्किल है। इस समय ब्रिटिश सरकार कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद सन 1930 से लेकर सन 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने की वजह से भारतवासियों में स्वतंत्रता प्राप्त करने का जोश बना रहता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, जिसमें कई कार्यक्रम किए गए, जैसे नमक कानून तोड़ना, सरकारी संस्थाओं एवं शिक्षा केंद्रों का बहिष्कार, महिलाओं द्वारा स्वयं ही शराब एवं अफीम की दुकानों में धरना देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और अदायगी को रोकना आदि। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के नमक पर लगाए गए बैन को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेज भारत में ऐसा कानून बना चुके थे कि कोई भारतीय यहाँ पर ना तो नमक खरीद सकता है और ना कोई भारतीय बेच सकता है। 12 मार्च 1903 को महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक लगभग 200 मील तक का रास्ता पैदल तय किया और अंत में दांडी के समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नमक कानून तोड़ा। इस तरह से यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसके लिए महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ा। इसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बाद विभिन्न कार्यक्रम भी किए गए, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखकर शुरू किया था। 9 अगस्त 1942 में ये आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन हालांकि महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरा करना चाहते थे, किंतु बहुत ही जल्द आम जनता के सब्र का बांध टूट गया और कहीं कहीं हिंसात्मक तरीके से भी यह आंदोलन किया गया। युगों की चिर निद्रा के बाद भारत में नए जीवन का संचार हुआ, परंतु स्वतंत्रता पंजाब, सिंध और बंगाल के लोगों के लिए असीम दुख और पीड़ा अपने साथ लाई थी। बहुत से पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस सांप्रदायिक उन्माद का शिकार हो गए, जो उस समय सारे देश में फैल गया था।
स्वतंत्रता के शैशव काल में ही हमारे देश को बड़ी कठिनाई और जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। देश का विभाजन हो गया और लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा था। हमारी सरकार को उनका पुनर्वास करना पड़ा। उसी समय पाकिस्तान ने कबायली लोगों से कश्मीर पर हमला करवा दिया, जबकि कश्मीर भारत में मिल गया था और भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था। हैदराबाद के रजवाड़ों ने हमारी सरकार के विरुद्ध विरोध किया। दूसरे राजा महाराजाओं ने भी स्वतंत्र राज्य बनाने के प्रयास किए, परंतु ईश्वर का शुक्र है कि हमारे महान नेताओं की सहायता से ही ये सभी कठिनाइयां दूर हो गईं। स्वतंत्र भारत की प्रथम उपलब्धि देश की विभिन्न इकाइयों को इकट्ठा करना और लगभग 600 राजाओं की रियासतों को देश में मिलाना था। उसने देश और उसके लोगों को एक कर दिया। 26 जनवरी 1950 को एक नए संविधान को अपनाए जाने के बाद भारत को एक गणतंत्र देश घोषित कर दिया गया था। इसमें इसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का आश्वासन दिया गया। इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा और अन्य 18 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा घोषित किया गया। इसमें यह घोषणा भी की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर धर्म, वंश, जाति अथवा मत के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पिछले 4 दशकों में सामान्य वयस्क मताधिकारों के आधार पर 10 बार आम चुनाव हो चुके हैं। 1989 में हुए चुनाव के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय मोर्चे की सरकारें केंद्र तथा कई राज्यों में बनी। केंद्र और राज्यों में सत्ता का स्थानांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना भारत में राजनीति का स्वरूप पूरी तरह से प्रजातांत्रिक होने का सूचक है। पिछले 5 दशकों में हमने 8 पंचवर्षीय योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को शक्ति और स्थायित्व मिला है। आशा करते हैं हमारी यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी। कल 15 अगस्त है, यानी कि आज़ादी का दिन। 73वें आज़ादी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।